पंकज मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, हर बार यही हम देखते हैं कि जब भी बारिश का सीजन आता है, मुंबई के लिए आफत की बरसात लाता है। मुंबई वासी अब काफी यूज्ड टू भी हो गए हैं, सभी हालात उनके लिए नॉर्मल जैसे हो जाते हैं, लेकिन इस बीच भी तमाम दावे जो बीएमसी करती है कि इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगी, जलभराव की स्थिति नहीं होगी, वो क्यों जमीनी तौर पर दिखाई नहीं देते? कभी भी ऐसी तस्वीरें नहीं आती कि ये इलाका ऐसा है जो पूरी तरीके से रेन फ्री है, वहां पर वाटर लॉगिंग नहीं हुई है, ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? पंकज, देखिए नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने, ये इस साल की कहानी नहीं है, हर साल यही कहानी दोहराई जाती है और हर साल हम ग्राउंड जीरो पर इसी तरीके की अव्यवस्था देखते हैं। इस साल भी हर साल की तरह बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बड़े बड़े वादे किए। इस बार तो ये भी कहा कि तमाम उनके जो ग्राउंड फोर्स रहेगी, स्टाफ होंगे, वर्कर्स होंगे, वो तमाम लो लाइंग एरियाज में, क्रिटिकल एरियाज में मौजूद रहेंगे मुंबई वासियों की सहूलियत के लिए, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि लो लाइंग एरियाज में पानी ना भरे, क्योंकि वहां पर काफी पंप्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तो लो टाइड भी नहीं, हाई टाइड भी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई जगह पर पानी भर चुका है। सायन में ही मैंने कई इलाके ऐसे देखे जहां पर खुले मैनहोल्स हैं, ड्रेन्स जो हैं वहां पर ओवरफ्लो कर रहे हैं, यानी डिसिल्टिंग का काम नहीं किया गया है। रिचेस्ट बॉडी है देश की और एशिया में भी नंबर आता है बीएमसी का, लेकिन जहां पर लो लाइंग एरियाज है, कम से कम बीएमसी से ये तो उम्मीद करी जाती है नेहा कि वहां पर वो कुछ साइन बोर्ड लगा दे, रेड फ्लैग्स लगा दे, क्योंकि मैं देख रहा था सुबह सवेरे कई छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहां से जा रहे थे, सीनियर सिटीजन हैं जो गुजर रहे हैं। अब अगर उन्हें नहीं पता रास्ते में मैनहोल है या कहीं डिप्रेशन है, तो फिर वहां पर तो इंजरी भी हो सकती है। अब ये काम मुंबई की सिविक बॉडी का है, वन ऑफ द रिचेस्ट बॉडी इन एशिया है, रेड फ्लैग साइन बोर्ड तो कम से कम लगा सकती है, लेकिन इतना तक बीएमसी के कर्मी नहीं करते हैं। इस बार तो बीएमसी ने इतना बड़ा वादा किया है कि माटुंगा इलाके में और जहां पर बहुत ज्यादा पानी भरता है, प्लस हिंद माता एरिया में उसने कहा है वो नई तरकीब निकाल रहा है। हिंद माता में तो उसने कहा है कि वो अंडरग्राउंड टैंकर्स भी बना रहा है, जिससे जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो पानी वहां स्टोर कर लिया जाएगा और जब लो टाइड होगी तो पानी की निकासी कर दी जाएगी। अब ग्राउंड जीरो पर ये तरकीब कितनी काम आती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज के दिन भी कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश का नतीजा ये है कि पानी ना सिर्फ लो लाइंग एरियाज में भरा है, बल्कि ये आप देखिए सामने रेजिडेंशियल सोसाइटीज में भी चला गया है, और इस कदर चला गया है कि अब तो डर यह है कि जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 घंटे और ज्यादा खतरा है, और अगर 2 से 3 घंटे बारिश का पानी और ज्यादा इसी तरह बढ़ता है तो खिड़कियों से लोगों के घरों के अंदर तक पानी जाएगा। तो बीएमसी से यह सवाल तब पूछा जाएगा कि ये तो आपको पता है कि ये लो लाइंग एरिया है, यहाँ लोगों के घरों में सोसाइटीज में पानी जा रहा है, तो आपने साल भर क्या इंतजाम किए थे? नालियां भरी हुई हैं, ओवरफ्लो कर रही हैं, तो सवाल पूछा जाएगा आपने जो इतना ज्यादा करोड़ों पैसे जो पानी की तरफ बहाए हैं, वहां पर काम क्यों नहीं किया गया है, किसको अकाउंटेबल ठहराया जाए? तो ये सवाल हर साल बीएमसी के सामने रखे जाते हैं, इस साल भी वही आलम है। ग्राउंड जीरो पर आपके पास